श्रीमद् भगवत गीता अष्टम अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। अर्जुन उवाच, किम तद् ब्रह्म किमध्यात्मम् किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम् च किम प्रोक्तम् अधिदैवम् किमुच्यते। अर्जुन जिज्ञासा करलें, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म की, अध्यात्म की, कर्म की, अधिभूत ओ अधिदैवई बा काके बोले? अनुग्रह पूर्वक आमाके स्पष्ट करे बोलो। अधियज्ञः कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नियतात्मभि। हे मधुसूदन, एई देहे अधियज्ञ के एवं एई देहेर मध्ये तिनि किरूपे अवस्थित, मृत्युकाले जितेंद्रिय व्यक्तिरा किभावे तुमाके जानते पारे? श्री भगवान उवाच, अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावो ध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्ग कर्म संहिता। परमेश्वर भगवान बोललें, नित्य विनाश रहित जीव के बला है ब्रह्म एवं तार नित्य स्वभाव के अध्यात्म बोले। भूतगणेर उत्पत्ति ओ बृद्धिकर सांसारिक कर्म। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतां वर। हे देहधारी श्रेष्ठ, नश्वर जरा प्रकृति अधिभूत, सूर्य चंद्र आदि समस्त देवतादेर समष्टिरो विराट पुरुष के अधिदैव बला हय। आर देहीदेर देहांतगत अंतर्जामी रूपे आमी अधिजोग्य। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। मृत्युर समय जिनि आमाके स्मरण करे देह त्याग करें तिनि तत्क्षणात् आमार भावी प्राप्त हन, एई विषये कोनो सन्देह नेई। यम यम वापि स्मरन् भावम् त्यजत्यन्ते कलेवरम् तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अन्तिम काले जिनि जे भाव स्मरण करे देह त्याग करें तिनि सेई भावे भावितो तत्त्वके लाभ करें। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मरयुध्य च मय्यार्पित मनो बुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशय। अतएव हे अर्जुन, सर्वदा आमाके स्मरण करे तोमार स्वभाव विहित युद्ध करो, ताहले आमाते तोमार मन ओ बुद्धि अर्पित हबे एवं निःसंदेह तुमि आमाके लाभ करबे। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हे पार्थ, अभ्यास योगे युक्त हुए अनन्यगामी चित्ते जिनि अनुक्षण परम पुरुषेर चिंता करें तिनि अवश्यई ताकेई प्राप्त हबेन। कविम पुराणम अनुशासितारम अणोर अनियाम सम अनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। सर्वज्ञ सनातन नियंता सूक्ष्म थेके सूक्ष्मतर सकलेर विधाता जड़बुद्धिर अतीत अचिंत ओ पुरुष रूपे परमेश्वर भगवानेर ध्यान करा उचित। তিনি সূর্যের মতো জ্যোতির্ময় এবং এই জড়া প্রকৃতির অতীত। প্রয়াণ কালে মনসা চলেন ভক্তিয়া যুক্ত যোগ বলেন চৈব ভ্রুবোর মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক সতম পরম পুরুষম উপৈত্তি দিব্যম। যিনি মৃত্যুর সময় অচঞ্চল চিত্তে ভক্তি সহকারে পূর্ণ যোগ শক্তির বলে ভ্রুযুগলের মধ্যে প্রাণ বায়ুকে স্থাপন করে परमेश्वर भगवान के शरण करें
তিনি অবশ্যই সেই দিব্য পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। वेदवीत पंडितेरा जाके अक्षर बोले अभिहित करें विषय आसक्ति शून्य सन्यासीरा जाते प्रवेश करें ब्रह्मचारीरा जाके लाभ करार इच्छाय ब्रह्मचर्य पालन करें तार कथा आमी संक्षेपे तुम्हाके बोलबो। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम्। इंद्रिये सब कयटी द्वार संयत करे मन के हृदये निरोध करे एवं हृदयेर मध्ये प्राण स्थापन करे योगे स्थित होते हय। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरन यः प्रयाति त्यजन देहं सयाति परमां गतिम्। जुगाभ्यासे प्रवृत्त हुए पवित्र ओंकार उच्चारण करते करते यदि केउ परमेश्वर भगवान के शरण करे देहत्याग करें तिनि अवश्यई परमागति लाभ करबें। अनन्य चेता सततम् यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे पार्थ जिनि एकाग्रचित्ते केवल आमाके निरंतर शरण करें आमि सेई नित्ययुक्त भक्त योगीर काछे सुलभ हई। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम् परमां गताः। महात्मा भक्ति परायण योगीगण आमाके लाभ करे आर ए दुःखपूर्ण नश्वर संसारे पुनराय जन्म ग्रहण करें ना केनना तारा परम सिद्धि प्राप्त हयेछेन। आ ब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन ए भुवन थेके ब्रह्मलोक पर्यन्त समस्त लोकी पुनरावर्तनशील अर्थात पुनर्जन्म हय किन्तु हे कौन्तेय आमाके प्राप्त होले आर पुनर्जन्म हय ना। सहस्रयुग पर्यन्तं अहर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांताम तेहो रात्र विदो जना। मनुष्य मानेर सहस्र चतुर्युगे ब्रह्मार एक दिन हय एवं सहस्र चतुर्युगे तार एक रात्रि हय। एभावी जारा जानें तारा दिवारात्रिर तत्त्ववेत्ता। अव्यक्ता व्यक्तव्य सर्वा प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवा व्यक्त संघ्यते। ब्रह्मार दिनेर समागमे समस्त जीव अव्यक्त थेके अभिव्यक्त हय एवं ब्रह्मार रात्रिर आगमे ता पुनराय अवक्ते लय प्राप्त हय। भूतग्रामः स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। हे पार्थ सेई भूत समूह पुनः पुनः उत्पन्न हुए ब्रह्मा रात्रि समागमे लय प्राप्त हय एवं पुनराय दिनेर आगमने तारा आपना थेकेई प्रकाशित हय। परस्तस्मात्तु भावोन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। किन्तु आरेकटी अव्यक्त प्रकृति रयेछे जा नित्य एवं व्यक्त अव्यक्त वस्तुर अतीत समस्त भूल विनष्ट होलेओ ता विनष्ट हय ना। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस् तमाहुः परमां गतिम् यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। सेई अव्यक्त के अक्षर बोले ताई समस्त जीवेर परमागति केउ जखन सेखाने जाय तखन आर ताके एई जगते फिरे आसते हय ना सेईटी होच्छे आमार परम धाम। पुरुषः सप्परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्।
হে পার্থ, সর্বশ্রেষ্ঠ পরমেশ্বর ভগবানকে অনন্যা ভক্তির মাধ্যমে কেবল লাভ করা যায়। তিনি যদিও তাঁর ধামে নিত্য বিরাজমান, তবু সর্বব্যাপ্ত এবং সবকিছু তার মধ্যেই অবস্থিত। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिम् चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम् कालम् वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे भारत श्रेष्ठ, जी काले मृत्यु हले जोगीरा एई जगते फिरे आसेन अथवा फिरे आसेन ना, सेई कालेर कथा आमी तोमाके बोलबो। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ব্রহ্ম ব্রহ্ম বিদ জনা। ব্রহ্মবিদ পুরুষগণ অগ্নি, জ্যোতি, শুভদিন, শুক্লপক্ষে ও ছয় মাস উত্তরায়ণকালে দেহ ত্যাগ করলে ব্রহ্ম লাভ করেন। ধূম রাত্রিস্তথা কৃষ্ণ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম তত্র চান্দ্রমসম জ্যোতির যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে। ধূম রাত্রি কৃষ্ণপক্ষ অথবা দক্ষিণায়নের ছমাসকালে দেহ ত্যাগ করে যোগী চন্দ্রলোকে গমনপূর্বক সুখভোগ করার পর পুনরায় মর্ত্যলোকে প্রত্যাবর্তন করেন। শুক্লকৃষ্ণে গতি হেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে একয়া যাত্যনা বৃত্তিম অন্যয়া বর্ততে পুনঃ। বৈদিক মতে এই জগৎ থেকে দেহ ত্যাগের দুটি মার্গ রয়েছে, একটি শুক্ল অপরটি কৃষ্ণ। শুক্ল মার্গে দেহ ত্যাগ করলে তাকে আর ফিরে আসতে হয় না, কিন্তু কৃষ্ণ মার্গে দেহ ত্যাগ করলে ফিরে আসতে হয়। নৈতে শ্রুতি পার্থ জানন যোগী মুহ্যতি কশ্চন তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু যোগযুক্ত ভবার্জুন। হে পার্থ, ভক্তেরাই দুটি মার্গ সম্বন্ধে অবগত হয়ে কখনো মোহগ্রস্ত হন না, অতএব হে অর্জুন, তুমি ভক্তিযোগ অবলম্বন করো। বেদেষু যজ্ঞেষু তপস্সু চৈব দানেষু যৎপুণ্য ফলম প্রদিষ্টম অত্যেতি তৎসর্বমিদম বিদিত্বা যোগী পরম স্থানমুপৈতি চাদ্যম। ভক্তিযোগ অবলম্বন করলে তুমি কোনো ফলেই বঞ্চিত হবে না। বিদপাঠ, যজ্ঞ অনুষ্ঠান, তপস্যা, দান আদি যত প্রকার জ্ঞান ও কর্ম আছে, সেই সমুদয়ের যে ফল তা তুমি ভক্তিযোগ দ্বারা লাভ করে আদি ও পরম ধাম প্রাপ্ত হও।